Good morning, my brilliant students and faculty members who are watching this video and channel. First of all, I heartily welcome to all of you. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology at Government Lohia PG College, Churu. In the lecture series of entomology, today I am going to deliver my talk on classification of order Lepidoptera of class Insecta. This lecture is very purposeful and very useful for students who opted entomology sub paper as at BSc Agriculture level or at an MSc Zoology as a specialization paper. So, आज के इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में लेपिडोप्टेरा के वर्गीकरण पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और ये व्याख्यान विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो बीएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं या एमएससी के वे स्टूडेंट जिनके एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर के रूप में जिन्होंने एडॉप्ट किया है. ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है इसका, फ्लो चार्ट. क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में टेरिकोटा यानी विंग बियरिंग इंसेक्ट है, इनको मेटाबोला के नाम से भी जाना जाता है. और टेरिकोटा में फिर एंडो टेरिकोटा, ये पंखों की ओरिजिन की बेसिस पे है. और इसके अंदर ये टोटल 9 ऑर्डर्स हैं और इन 9 ऑर्डर्स में 8वें नंबर पे जो ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा. तो आज के इस व्याख्यान में लेपिडोप्टेरा पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. लेपिडोप्टेरा का अर्थ क्या है? लेपिडो मीन्स स्केल्स, टेरा मीन्स रिंग, यानी ऐसे पंख जिनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं. बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, कवर्ड विथ स्केल्स एंड डाइवर्स कलर पैटर्न. क्योंकि लेपिडोप्टेरा में मुख्यतः बटरफ्लाई और मॉथ, तितली और सलभ जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. और बटरफ्लाई जो होती है बहुत कलरफुल होती है. दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी इंसेक्ट के प्रति अट्रैक्शन है तो वो बटरफ्लाईज के प्रति है. और आप इधर यदि नॉर्थ ईस्ट आप एशिया की तरफ आप विजिट करो तो वहाँ पर घरों के ड्राइंग रूम में शोकेस में इंसेक्ट पेस्ट के आपको मिल जाएंगे. जिस तरह अपने कोई वॉल हैंगिंग लगाते हैं, कोई पेंटिंग लगाते हैं, वहाँ पर घरों के ड्राइंग रूम में इंसेक्ट के लेमिनेटेड जो बॉक्स होते हैं वो डिस्प्ले रहते हैं. तो बटरफ्लाइज के प्रति अट्रैक्शंस रहता है. लार्वी इरुशी फॉर्म, प्यूपी जनरली ऑप्टेक टाइप. माउथ पार्ट्स इन अडल्ट्स जनरली लॉन्ग, सकिंग प्रोबोसिस, प्रिमिटिव मेंबर्स आर मैंडिबुलेट. इसके जो पुरातन जो सदस्य है प्रिमिटिव मेंबर है वो मैंडिबल टाइप के होते हैं. लार्वा में माउथ पार्ट वेस्टिजियल होते हैं इन सम स्ट्रॉन्ग चीविंग टाइप. लेकिन कुछ लार्वा के अंदर माउथ पार्ट है वो चीविंग टाइप के हैं, चबाने वाले हैं. आईज एंड ओसिलाई, लार्ज कंपाउंड आई प्रेजेंट. कंपाउंड आई बड़े आकार की होती है. डोर्सल ओसिलाई एब्सेंट होती है अथवा इनकी संख्या 2 होती है. स्टीमेटा ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड में स्टीमेटा पाए जाते हैं. एंटीना प्रोमिनेंट प्रकार की होती है और वेरी इनफॉर्म. एंटीना के है वो कई प्रकार है और एंटीना पे एक अलग व्याख्यान मैंने तैयार किया है, वो बहुत ही जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा. तो लेपिडोप्टेरा के अंदर अलग अलग तरह के एंटीना, इंसेक्ट में लगभग 15 वेराइटी के एंटीना है वो देखने को मिलती है, जिसमें फीली फॉर्म है, सिटेशियस टाइप की है, मोनाली फॉर्म है, जेनिकुलेट है, कैपिटेट टाइप के एंटीना है. तो लगभग 15 प्रकार के एंटीना और लेपिडोप्टेरा के अंदर कई वेराइटी के एंटीना अलग अलग इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है. विंग्स से 2 जोड़ी होते हैं. विंग्स मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं एंड कवर्ड विथ स्केल्स, सलकों के द्वारा ढके रहते हैं. लार्ज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी, शरीर की तुलना में पंखों का आकार बड़ा होता है. अभी आप देख रहे हो जैसे बटरफ्लाई है, ये स्फिंक्स मॉथ है. अब इंसेक्ट में बॉडी है, ये तो बीच वाली है, ये बॉडी है इसकी,
अब बॉडी लेंथ की तुलना में आप देख रहे हो पंख इनके बहुत बड़े हैं, फ्यू क्रॉस वेंस आर प्रेजेंट, क्योंकि पंखों में लॉन्गिट्यूडनल वेन होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेन को जोड़ने वाली जो सिराई होती है उनको क्रॉस वेन के नाम से जाना जाता है। सब मेंबर्स आर विंगलेस, कुछ सदस्यों में पंख अनुपस्थित होते हैं। फोरविंग लार्जर देन हाइंड विंग, अग्र पंख है वो पश्च पंख की तुलना में बड़े होते हैं। इसमें आप देख रहे हो बटरफ्लाई में फोरविंग है वो हाइंड विंग की तुलना में बड़े हैं, इसी तरह स्मॉथ में फोरविंग है वो हाइंड विंग की तुलना में बड़े हैं। लेग्स में 5 सेगमेंटेड टार्साई होती है और लार्वी में 3 जोड़ी ट्रू लेग्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन एब्डोमन सरसाई इज एबसेंट, लार्वी विथ 5 पेयर ऑफ फायर लेग्स, लार्वा में 5 जोड़ी एब्डोमन में टांगे होती है और ये टांगे 3rd सेगमेंट से लेकर 6th सेगमेंट तक और अंतिम 10th सेगमेंट है उसके अंदर ये पाई जाती है। एपेक्स ऑफ ईच लेग इज टीनी हुक्स, प्रत्येक टांगों का जो टर्मिनल पार्ट है एपेक्स वाला उस पर छोटे छोटे हुक के समान रचनाएं जो है वो पाई जाती है। अब इस लेपिडोप्टेरा के अंदर 4 सब ऑर्डर्स हैं। सब ऑर्डर फर्स्ट जुगलोप्टेरा, सब ऑर्डर सेकेंड एग्लोसेटा, सब ऑर्डर थर्ड हिथ्रोबैथमीना और सब ऑर्डर फोर्थ ग्लोसेटा। अब इन 4 ऑर्डर्स के अंदर अलग अलग फैमिलीज हैं, हर फैमिलीज के पर्टिकुलर करेक्टर्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, तो सभी में मैं विथ पिक्टोरियल एग्जाम्पल में आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट सब ऑर्डर जुगलोप्टेरा, जुगलोप्टेरा के मुख्य लक्षण में क्या होंगे, अडल्ट विथ फंक्शनल मैंडिबल्स, अडल्ट में फंक्शनल मैंडिबल्स पाए जाते हैं। विंग कपलिंग जुगोफ्रिने टाइप, विंग कपलिंग क्या होती है कि फॉरविंग और हाइंड विंग ये दोनों आपस में कोई कपलिंग डिवाइस के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिस तरह मान लो ये हाथ है, हाथों का पंख मान लो, अब ये दोनों हाथ जैसे इस तरह कपल्ड हो गए तो फॉरविंग और हाइंड विंग को आपस में जो जोड़ने वाली जो रचनाएं होती है वो विंग कपलिंग एपरेटस के नाम से जानी जाती है। और इन रचनों का मेन मकसद ये होता है कि फ्लाइट के समय दोनों पंख हैं वो एक साथ उनके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक हो। तो इनके अंदर जुगलोप्टेरा में जो विंग कपलिंग एपरेटस है वो जुगोफ्रिनेट टाइप का होता है, जुगो मीन्स जुगल, जुगल जो लोब है इसके अंदर। लार्वी पजेज 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स, लार्वी में 8 जोड़ी एब्डोमिनल टांगे हैं वो पाई जाती है और पूरी दुनिया में लगभग 120 स्पीसीज इस सब ऑर्डर से बिलोंग करती है। इस सब ऑर्डर में फर्स्ट फैमिली है माइक्रो टेरेजिटी, माइक्रो में शब्द है कि छोटे आकार की, टेरेजिटी टेरा मीन्स पंख, माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड, मुखांग विकसित होते हैं, ओसिलाई प्रेजेंट, टीबिल स्पर प्रेजेंट, विंग कपलिंग एपरेटस, प्यूबिली विदाउट ए फ्रेन्यूलम, एग्जाम्पल माइक्रोटेरिक्स। ये फिगर आप देख रहे हो, ये दिस इज माइक्रोटेरिक्स। सेकेंड सब ऑर्डर एग्लोसेटा, एग्लोसेटा के जो कॉमेंट्स हैं दे आर मोस्ट प्रीमिटिव लीनियज ऑफ लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा की जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये काफी बेस बेस स्टॉक पे बिलोंग करते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप के, ऑल्सो नोन एज कॉरीमोथ, कॉरीमोथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डम्बल्टन, सबसे पहले डम्बल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। ये इसके पंख का एक जैसे फिगर दिखाया, ग्राफिकल फिगर, इसमें आप देख रहे हो ये सारी सिराएं हैं, जैसे एससी वन सब कोस्टा वेन है, ये रेडियस वेन है, ये मीडियस वेन है, ये क्यूबिटस वेन है, फर्स्ट एक मतलब एनल वेन है। तो पंखों का ये पूरा शिंदा विन्यास होता है, इसकी पूरी टेक्सोनोमी है और पंखों की बेसिस पे इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके अंदर फर्स्ट फैमिली है एगेथीफेजिडी, इस फैमिली में लार्वी कैन सर्वाइव अप टू 12 ईयर्स, लार्वल जो होते हैं ये 12 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें डायपोज जैसी कंडीशंस इन इंसेक्ट में पाई जाती है और डायपोज कंडीशन जब होती है तो डेवलपमेंट एक तरह से अरेस्ट हो जाता है और लार्वा जो है वो लार्वा लंबे समय तक बने रहता है। जिस तरह एम्फीबियंस में नियोटेनी जैसे होती है तो नियोटेनी टाइप की ये सिचुएशन है। डायपोज प्रेजेंट विच इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, तो इस
फैमिली के इंसेक्ट में डायापोज, सबसे विकसित डायापोज लंबे समय वाला, वो इस फैमिली के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये इस फैमिली का एक एग्जांपल आप देख रहे हो, इसके अंदर फिगर है इसके अंदर। नेक्स्ट सब ऑर्डर हिथ्रोबैथमिना, मोस्ट प्रिमिटिव लीनियज ऑफ लेपिडोप्टेरा। ये भी लेपिडोप्टेरा के मोस्ट प्रिमिटिव इंसेक्ट है। डे फ्लाइंग, ये दिन में उड़ने वाले होते हैं। मेटेलिक मोथ, इनकी जो बॉडी है वो ब्रिलियंट कलरेशन वाली होती है। अडल्ट ईट द पॉलन, अडल्ट जो होते हैं वो फ्लावर के पॉलन्स को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसमें एक फैमिली है हिट्रोबैथमिडी, इसके कॉमेंट्स हैं अडल्ट स्मॉल, अडल्ट छोटे आकार के होते हैं। हेड विथ रफ स्केल्स, हेड पे रफ स्केल है वो पाए जाते हैं। लेबियल पेल्प 3 सेगमेंटेड होती है, मैक्सिलरी पेल्प 5 सेगमेंटेड होती है, और ये भी दिनचर प्राणी है, यानी डायुरनल इंसेक्ट, नॉक्टर्नल नहीं है, रात्रिचर नहीं है, दिन के अंदर ये उड़ते हुए आपको देखे जा सकते हैं। फोर्थ सब ऑर्डर है इसके अंदर ग्लोसेटा, और ग्लोसेटा के अंदर ये फिर सुपर फैमिली है, सुपर फैमिली के अंदर फैमिली है। इसमें जो नीले रंग में जो दिखाई है सारी सुपर फैमिली है, और ब्लैक कलर में जो दिखाई है सब फैमिलीज हैं। ये ग्लोसेटा का एक फ्लो चार्ट है इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल जो सब फैमिली है वो 7 है। इसमें जैसे टीनेकोइडिया, पायरेलिडोइडिया, पेपिलियनोइडिया, जियोमेट्रोइडिया, बोम्बिकोइडिया, स्पिजोइडिया और नॉक्टोइडिया। टेनेकोइडिया में 4 फैमिलीज हैं, टिनेसीडी, साइकीडी, ल्यूटेलिडी, गैलेचिडी। पायरेलिडिया में 2 फैमिली है, हिबलेडी और पायरेलिडी। पेपिलियोनोइडिया में 3 फैमिली है, निम्फेलिडी, पीरिडी, पेपिलियोनिडी। जियोमेट्रोडिया में 1 फैमिली है, जियोमेट्रिडी। बॉम्बिकोइडिया में 2 फैमिली है, बॉम्बाइसिडी और सेटर्निडी। स्पिंजोइडिया में 1 फैमिली है, स्पिंजिडी। और नॉक्टोइडिया में 3 फैमिली है, नॉक्टोइडी, आर्कटिडी और लिमेंट्रिडी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये रोमोजर की बुक से मैंने लिया है, और बाकी अलग अलग बुक्स में डिटेल क्लासिफिकेशन है। जैसे एम्स का जो 2nd वॉल्यूम है उसमें आप देखो तो कम से कम 100 के आसपास फैमिलीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतना डेप्थ क्लासिफिकेशन है वो स्टूडेंट की याद होना मुश्किल है। और आपके सिलेबस में दे रखा है कि केवल उन्हीं फैमिलीज की आप डिस्कस करें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली है, या जिस फैमिली के इंसेक्ट आपके लोकल एरिया मिलते हैं। चूँकि चूरू डिस्ट्रिक्ट है, ये एरिड जोन का ही एक पार्ट है, शेखावाटी का एक पार्ट है, तो इस एरिया में जो बटरफ्लाईज और मोथ मिलती है उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन मैंने तैयार किया है। सब ऑर्डर ग्लोसेटा, ग्लोसेटा के मुख्य कमेंट्स में मैंडिबल्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, लार्वी विथ नॉट मोर देन 7 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट, विंग्स इंटरलॉक्ड बाय जुगम, विंग वेनेशन सिमिलर इन हाइंड विंग, आर एस अनब्रांच्ड, आर एस यानी रेडियस सेक्टर जो वेन है ये अनब्रांच्ड होती है। इसमें फर्स्ट फैमिली है टीनोइडिया, इसके एग्जांपल है मैक्सिलरी पेल्प फुली डेवलप्ड, मैक्सिलरी पेल्प विकसित होते हैं, लेबियल पेल्पाई विथ 3rd सेगमेंट, यूजुअली सिलेंड्रिकल एंड पॉइंटेड, हाइंड विक विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस 1 फ्री, मीडियस फर्स्ट एंड आर एस सेपरेट। सेकेंड फैमिली इसमें टेनिडी, इसमें क्लॉथ मॉथ इंसेक्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। प्रोबोसिस शॉर्ट और एबसेंट, प्रोबोसिस छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। मैक्सिलरी पेल्प लंबे होते हैं। लार्वी फीड ऑन वूल, हेयर, कारपेट एंड ब्लैंकेट, यानी हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, कारपेट है, ब्लैंकेट है, इनको ये इनके ये पेस्ट हैं एक तरह से। इसके एग्जांपल है जैसे टीनिया और ट्राइकोफेगा, ये दोनों फिगर मैंने शेयर किए हैं। जैसे दिस इज टीनिया,
दिस इज ट्राइकोफेगा. नेक्स्ट फैमिली है साइकिडी, इसमें बैगवर्म मॉथ है उनको इंक्लूड किया गया है. मैक्सिलरी पेल्पाई एब्सेंट और वेस्टिजियल. एंटीनी बाइपेक्टिनेट, बाइपेक्टिनेट का अर्थ क्या है जी, महिलाएं बाल बाने के लिए जो कांगसी काम में लेती है, तो जब कंघी में दोनों तरफ दांते हों वो एंटीना बाइपेक्टिनेट कहलाती है, एक तरफ यदि दांते हों तो वो मोनोपेक्टिनेट एंटीना कहलाती है. इनमें जो एंटीना है ये बाइपेक्टिनेट प्रकार की है. फ्रेनुलम लार्ज आकार का होता है, प्रोबोसिस एब्सेंट होता है, मेल विथ क्लियर विंग्स, नर में पंख हैं वो स्पष्ट होते हैं. लार्वी कंस्ट्रक्ट ए केस ऑफ सिल्कन फैब्रिक, तो लार्वी है वो अपने चारों तरफ रेशम का बना हुआ एक आवरण है वो बनाती है. एग्जाम्पल है इसमें मैसिना ग्रैमिनिवोरा, ये फिगर आप देख रहे हो, दिस फिगर बिलोंग्स टू मैसिना ग्रैमिनिवोरा. नेक्स्ट फैमिली इज प्लूटेलिडी, इस फैमिली में डायमंड बैक मॉथ इनको इंक्लूड किया गया है. मैक्सिलरी पेल्पाई वेल डेवलप्ड, मैक्सिलरी पेल्प वेल डेवलप्ड होता है एंड प्रोजेक्टिंग यानी बाहर की तरफ निकला रहता है. लार्वी रिमेन्स इन सिल्कल कोकून, लार्वी है वो सिल्क के कोकून के अंदर रहती है. एग्जाम्पल प्लूटेला जाइलोस्टीला, ये प्लूटेला का डायग्राम है. नेक्स्ट फैमिली गैलेकिडी, एंटीनी लेयरली विथ बेसल पेक्टन, एंटीना में बेसल पेक्टन बहुत रेयरली पाया जाता है. फोरविंग ट्रेपिजोइडल, हाइंड विंग बेस विथ रेडियस सेक्टर M1 स्टॉक्ड एट द नोटोरियस, पौधों के ये नोटोरियस पेस्ट हैं. एग्जाम्पल पोटेटो ट्यूबर मॉथ, पिंक बॉल वॉर्म और एनार्सिया, ये तीनों के फिगर यहाँ पर आप देख रहे हो. दिस इज पोटेटो मॉथ, और आलू की जो फसल होती है उसका ये मैनिफेस्ट होता है. पिंक बॉल वॉर्म ये अपने यहाँ पर मिलता है, एनारेसिया ये अपने यहाँ नहीं मिलता है लेकिन इस फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट सुपर फैमिली फिर है पायरेलिडोइडिया, इसके मेन कॉमेंट्स में मैक्सिलरी पेल्पाई यूजुअली प्रेजेंट, मैक्सिलरी पेल्पाई पाया जाता है. लेग्स ऑलवेज लॉन्ग, टांगे सामान्य लंबी होती है. क्यूबिटस सेकेंड वेन वेस्टिजियल होती है अथवा फोरविंग में अनुपस्थित होती है. सबकोस्टा प्लस आर सेकेंड इन हाइंड विंग पार्टली फ्यूज विथ आर एस मेम्ब्रेन बियॉन्ड द सेल एंड M1 स्टॉक्ड विथ 2RS. तो सबकोस्टा और रेडियस सेकेंड जो वेन है ये हाइंड विंग में आंशिक रूप से फ्यूज हो जाती है, संगलित हो जाती है. हाँ, इसमें फर्स्ट फैमिली है हिबेलिडी, इसमें टिम्पेनल ऑर्गेन एब्सेंट हैं. हॉस्टेलम नेकेड होता है. एग लेड ऑन लीव्स, अंडे होते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर दिए जाते हैं. लार्वी फीड ऑन लीफ टिश्यूज, लार्वी है वो पत्तियों के टिश्यूज के ऊपर फीडिंग करती है. प्यूपा हिडन इन लीफ फोल्ड, प्यूपा जो होते हैं वो पत्तियों के जो फोल्ड होते हैं, पत्तियां हैं वो फोल्ड हो जाती है, रोल हो जाती है, उनके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं. एग्जाम्पल है इसमें हिबेलिया प्यूरा, ये जो फिगर आप देख रहे हो दिस इज हिबेलिया प्यूरा. नेक्स्ट फैमिली पायरेलिडी, इसमें टिम्पेनल ऑर्गेन प्रेजेंट एट बेस ऑफ एब्डोमन, टिम्पेनल ऑर्गेन है एब्डोमन के बेस पे पाया जाता है. और टिम्पेनल ऑर्गेन है एक तरह का ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है, ध्वनि उत्पादक रचना है जो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स की पाई जाती है. सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट फ्यूज होती है, सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट फ्यूज विथ RS डिस्टली. हॉस्टेलम स्केली होता है, हॉस्टेलम है वो सल्की प्रकार का है. इसके एग्जाम्पल है वैक्स मॉथ, राइस मॉथ, राइस स्टेम बोरर और कॉर्न बोरर, इन सभी के फिगर है क्रम से. वैक्स मॉथ ये देख रहे हो मधुमक्खी के छाते में मोम होती है उसको ये खा जाती है. ये राइस मॉथ ये चावल की फसलों में जैसे पाई जाती है. ये राइस स्टेम बोरर राइस के जो स्टेम होते हैं तने होते हैं उसके अंदर ये पंक्चर करके उसको इन्फेक्टेड कर देती है. कॉर्न बोरर ये जो मक्खी के जो सीटे होते हैं मेज है उसका ये मैनिफेस्ट होती है. नेक्स्ट सुपर फैमिली
पेपिलियनोइडिया इस सुपर फैमिली में एंटीना बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल, क्लब शेप वाला मुग्धर के आकार की, जैसे बालाजी का घोटा होता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है, और इसका एंटीना का जो टर्मिनल पार्ट है वो मुग्धर के जैसा होता है। क्लेवेट एंटीना ये भी मुग्धर के जैसी होती है, लेकिन इसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म शल्क पाए जाते हैं बालों के समान। लेबियल पेल्प लंबा होता है, लेबियल पेल्प इज लॉन्ग, फॉर्मिंग विथ क्यूबिटस सेकेंड एबसेंट, फॉर्मिंग में सेकेंड क्यूबिटस वेन अनुपस्थित होती है। हाइंड विंग विथ फ्रीनुलम, फर्स्ट पंख में फ्रीनुलम पाया जाता है, क्यूबिटस सेकेंड एबसेंट, हाइंड विंग में क्यूबिटस सेकेंड एबसेंट होती है। ह्यूमरल लोब वेल डेवलप्ड, ह्यूमरल लोब है वो विकसित होता है। इसमें फैमिली फर्स्ट लिम्फेलिडी, फॉर्मिंग रिड्यूस्ड इन साइज इन बोथ मेल एंड फीमेल। अभी इसमें पटल में अब देख रहे हो जनरली क्या होता है, अग्रपंख बड़े होते हैं, फर्स्ट पंख छोटे होते हैं, लेकिन इसमें अग्र जो पंख है छोटे हैं, फर्स्ट पंख बड़े हैं, इस तरह के इंसेक्ट है, इसका मतलब वो लिम्फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। टीबिया शॉर्ट, टीबिया छोटी होती है, क्लॉथ विथ लॉन्ग हेयर, और टीबिया पर थोड़े लंबे आकार के रोम सदृश रचनाएं पाई जाती है, हालांकि ये हेयर नहीं है, अपने मनुष्य में बाल होते हैं उस तरह के बाल नहीं है, दिखने में बाल जैसे हैं, है इनको स्पर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मिंग विथ आरएस ब्रांच, फॉर्मिंग में आरएस रेडियस सेक्टर जो वेन है वो शाखित होती है। थर्ड एनल इन फॉर्मिंग एब्सेंट, अगर पंखों में थर्ड एनल सिरा उपस्थित होती है। सेल्स ऑफ फॉर्मिंग रेयरली ओपन्ड, अगर पंखों में कॉस्टक हैं वो प्राय खुले होते हैं, रेयरली ओपन्ड, क्लोज टाइप के हैं, यानी चारों तरफ से वो वेन के द्वारा घिरे हुए हैं। ब्राइटली कलर्ड, ब्रिलियंट कलर वाले होते हैं, एग्जाम्पल है इसमें लीफ बटरफ्लाई, ये जो फिगर है लीफ बटरफ्लाई का है, दिस इज मोनार्क बटरफ्लाई, ये अपने यहाँ काफी प्रचुरता से मिलती है। नेक्स्ट फैमिली पीरीडी, लेग नॉर्मल और रिड्यूस्ड, टांगे सामान्य होती है या रिड्यूस होती है। टार्सल क्लोज बाइफिट, टार्सल के जो नखर है वो बाइफिट होते हैं, द्विशाखित होते हैं। फॉर्मिंग विथ आर थर्ड और आर फोर्थ ब्रांच, अगर पंखों में रेडियस थर्ड और रेडियस फोर्थ जो सिरा है वो शाखित होती है। थर्ड एनल वेन इन फॉर्मिंग एब्सेंट, अगर पंखों में थर्ड एनल सिरा अनुपस्थित होती है। हाइंड विंग विथ टू एनल वेन, हाइंड विंग में दो एनल वेन पाई जाती है। पेस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर यानी जो सरसों है, मूली है, उनका ये मेन पेस्ट होता है। एग्जाम्पल कैबेज बटरफ्लाई एंड रे बटरफ्लाई, ये फिगर आप देख रहे हो, दिस इज कैबेज बटरफ्लाई, ये रे बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई भी अपने यहाँ काफी संख्या मिलती है। नेक्स्ट फैमिली इज पेपिलियोनिडी, इस फैमिली के इंसेक्ट में फोर लेंथ नॉर्मल साइज के होते हैं। क्यूबिटस इन फोर विंग फोर ब्रांच, अगर पंखों में क्यूबिटस सिरा चार शाखों वाली होती है। फोर विंग विथ टू और थ्री एनल वेन, अगर पंखों में एनल वेन दो अथवा तीन होते हैं। हाइंड विंग विथ वन एनल वेन, हाइंड विंग में एक एनल वेन होती है। विंग्स वेरिएबल, पंख हैं वो वेरिएबल टाइप के होते हैं। हाइंड विंग विथ टेल लाइक प्रोजेक्शंस, और पश्च जो पंख होते हैं उसमें टेल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो ऐसी रचनाएं बैलेंस बनाने में काम करती है, उसमें तो बहुत ही एकदम पतले फिलामेंट के रूप में होती है, उनको बैलेंसिंग ऑर्गेन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल पेपिलियो डेमोलियस, दिस इज पेपिलियो, ये बटरफ्लाई भी अपने यहाँ मिलती है। नेक्स्ट सुपर फैमिली जियो मेट्रोइडिया, इस सुपर फैमिली के जो मेन करेक्टर्स है उसमें मैक्सिलरी पेल्प वेस्टिजियल, मैक्सिलरी पेल्प हासित होता है। टिम्पेलन ऑर्गेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में टिम्पेलन ऑर्गेन पाया जाता है। क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट इन बोथ विंग, दोनों पंखों में क्यूबिटस सेकेंड सिरा है अनुपस्थित होती है। फॉर्मिंग ऑलवेज विथ मीडिया सेकेंड, नॉट नियरर एम थर्ड देन एम वन एट बेस, एंड विथ फर्स्ट एनल प्लस सेकेंड एनल फॉर्मिंग ए बेसल फॉर्क। इसमें फर्स्ट फैमिली ग्रोमेट्रिडी, टिम्पेनल ऑर्गेन वेंट्रल सरफेस पे होता है। हाइंड विंग विथ सब कोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट, रिमोट फ्रॉम रेबियट सेकेंड बियॉन्ड द सेल।
forming with R4 plus R5, connected with R second plus R third. तो R4 सिरा है, वो R second के साथ connected रहती है. Very large family. इसके अंदर member है, examples है, इसके अंदर बहुत ज्यादा है. इसके example है जैसे Beeston Saprasia, Beeston Betularia का नाम आपने सुना होगा. यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो पॉल्यूशन के कारण इनका डिटेक्शन हो जाता था, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से इनके डीएनए में म्यूटेशंस हुआ और धीरे धीरे सफ़ेद रंग की जो मौत थी वो ब्लैक कलर में जैसे हो गई. ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें सैकड़ों मेंबर है इसमें, और जनरली ये ब्लैक कलर के हो गए. आज के 200-250 वर्ष पहले सारे वाइट कलर के होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल मेला ये पॉल्यूशन की वजह से इनके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हुआ और नेचुरल सिलेक्शन की परिघटना इनके अंदर देखने को मिलती है. नेक्स्ट सुपर फैमिली बम्बई कोइडिया. इसके मेन फीचर्स में मैक्सिलरी पल्प वेस्टिजियल होता है, टिम्पेनल ऑर्गेन इन एब्डोमन, क्यूबिटस सेकेंड एबसेंट इन बोथ विंग्स, दोनों पंखों में क्यूबिटस सेकेंड सीरा अनुपस्थित होती है, फॉर्मिंग ऑलवेज विथ एम सेकेंड, नॉट नियरर एम थर्ड देन एम वन एट बेस, एंड विथ फर्स्ट एनल प्लस सेकेंड एनल फॉर्मिंग ए बेसल फॉर्क. इसमें फर्स्ट फैमिली बॉम्बाई सीडी, हाइंड विथ विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट, कनेक्टेड विथ सेल बाई ए क्रॉस वेन. तो सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट जो वेन है ये क्रॉस वेन के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है, फॉर्मिंग विथ मीडियस फर्स्ट फ्री. अगर पंखों में मीडियस फर्स्ट वेन है फ्री है और शॉर्टली स्टॉक्ड ऑन आर एस, या रेडियस सेक्टर वेन में छोटे व्रंथ के समान होती है, प्रोबोसिस एब्सेंट, एग्जाम्पल एलिक मौत, ये सिल्क मौत है रेशम का, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, सिल्क मौत. तो रेशम के जो कीड़े होते हैं बॉम्बिक्स मोराई, वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है. ये सिल्क मौत का फिगर है. नेक्स्ट फैमिली सैटर्न एडी. ये इंसेक्ट ब्राइट कलर वाले होते हैं, हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट डाइवर्जिंग फ्रॉम सेल बेस. सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट जो है वो सेल बेस पे डाइवर्ज हो जाती है, मीडियस सेकेंड अराइज फ्रॉम मिडिल ऑफ सेल, मीडियस सेकेंड नियरर एम वन देन क्यूबिटस फर्स्ट ए, क्यूबिटस सेकेंड एंड फ्रेनुलम एब्सेंट, टीबिया विथ स्पाइन, टीबिया में छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, एंटीना बाईपेक्टिनेट इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्स में एंटीना है, बाईपेक्टिनेट. इस फिगर में आप देख रहे हो ये एंटीना है और एंटीना में दोनों तरफ दांते निकले हैं, ऐसा लगता है जैसे बाल संवारने की कंघी जैसे हो, तो दोनों तरफ दांते होते हैं, जैसे इसको बाईपेक्टिनेट एंटीना के नाम से जाना जाता है. इसके एग्जाम्पल है एम्परर मौत, एरी सिल्क मौत, ये फिगर एम्परर मौत का है, देखने में जैसे कोई राजा का जैसे मुकुट हो है उस तरह की ये देखने को मिलती है, ये एरी सिल्क मौत. तो सिल्क मौत है, आजकल उसको फीडिंग मटेरियल के रूप में सैतूत की पत्तियां जैसे खिलाई जाती है, अरंडे की खिलाई जाती है, आंकड़े की पत्तियां खिलाई जाती है, तो इनको अलग अलग फीडिंग डाइट इनकी होती है और उसके अकॉर्डिंग इसकी फिर टर्मिनोलॉजी है. नेक्स्ट सुपर फैमिली स्फिंजोइडिया. इसमें एंटीना मुगदर के समान होती है, प्रॉन स्कॉसिस एंड फ्रेनुलम प्रेजेंट, क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट इन बोथ विंग, फॉर्मिंग विथ मीडियस फर्स्ट अराइजिंग फ्रॉम स्टेम ऑफ रेडियस थर्ड एंड रेडियस फिफ्थ और बेसली अप्रोक्सीमेटेड टू इट, हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट कनेक्टेड विथ सेल बाई ए क्रॉस वेन एंड अप्रोक्सीमेटेड टू रेडियस सेक्टर बियॉन्ड द सेल, टिम्पेनल ऑर्गेन एबसेंट. इसमें फैमिली फर्स्ट स्फिंजिडी, ये इंसेक्ट अपने यहाँ मिलता है, लार्ज रोबस्ट मौत, बड़े आकार की होती है, काफ़ी रोबदार होती है, प्रीडेसियस शिकारी प्रवृत्ति की होती है, एंटीना ओपन हुक्ड एंटीनी, एंटीना एपिकल पार्ट पे थोड़ी वक्रित होती है, कर्व टाइप की होती है. एग्जाम्पल स्फिंक्स मौत, स्फिंक्स जो है ये मिस्र के पिरामिड की जो स्टैचू है गीजा, गीजा जो
पिरामिड है, उसमें ऊपर ही ऊपर एक देखा होगा राजा की एक उसमें मूर्ति है, तो इसका जो चेहरा है वो स्फिंक्स मौत, स्फिंक्स जैसा मिलता है, इसलिए इसको स्फिंक्स मौत का नाम दिया है। नेक्स्ट सुपर फैमिली नॉक्टोइडिया, इसमें मैक्सिलरी पैल्प छोटे होते हैं, टिम्पेनल ऑर्गेन प्रेजेंट होता है, क्यूबिटल सेकेंड एबसेंट फ्रॉम बोथ विंग्स, दोनों पंखों में क्यूबिटल सेकेंड शीरा उपस्थित होती है, फॉर्मिंग यूजुअली विथ एम सेकेंड बेसली अप्रोक्सीमेटेड टू एम थर्ड एंड विथ फर्स्ट एनल प्लस सेकेंड एनल नॉट फॉर्मिंग ए डेफिनाइट बेसल फॉर्क। हाँ, इसमें फैमिली फर्स्ट नॉक्टुइडी, नॉक्टुइडी में हाइंड विंग विथ सब कोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम रेडियस सेक्टर कनेक्टेड विद अ सेल बाई ए बॉर, एंटीना विथ सॉफ्ट नॉट डायलेटेड, फॉर्मिंग विथ एरियोली, फॉर्मिंग में एरियोली पाई जाती है, एग्जाम्पल हेलिकोवेरपा और एक्याजनाटा। हेलिकोवेरपा है अपने यहाँ खूब मिलता है और ये फसलों का एक पेस्ट भी है। नेक्स्ट फैमिली आर्कटीडी, फॉर्मिंग विथ मीडियस सेकेंड बेसली अप्रोक्सीमेटेड टू मीडियस थर्ड, सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम आर एस, हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट एनेस्टोमोजिंग विथ सेल टू ऑटोबियन मिडिल, बॉडी स्टाउट होती है, एग्जाम्पल डायक्रिसिया ऑब्लिक्यूआ और एम एस केटा मोरी, ये दोनों एग्जाम्पल आप देखते हो फिगर में, दिस इज डायक्रिसिया और दिस इज एम एस केटा। नेक्स्ट फैमिली लिमेंट्रीडी, इस इंसेक्ट में हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम आर एस, प्रोबोसिस एट्रोफिट, प्रोबोसिस है बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है, एग्जाम्पल जिप्सी मॉथ, जिप्सी मॉथ भी अपने यहां मिलता है। ये ओवरऑल एक ब्रीफ सर्वे ऑर्डर लेप्टोप्टेरा का, तो इस क्लासिफिकेशन में मैंने केवल वही फैमिली इंक्लूड करी है जिनके इंसेक्ट अपने यहाँ जनरली मिलते हैं या जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के हैं, और बाकी डिटेल में इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो इम्स की रिचर्ड रो डेविस की जो सेकेंड बुक है एंटोमोलॉजी वॉल्यूम सेकेंड, उसमें इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, गिलेट की एंटोमोलॉजी है उसके अंदर इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने रोमोजर और स्टोफोलिनो की जो बुक है उससे ये मैटर मैंने लिया है, और मैं समझता हूँ इस व्याख्यान को आप, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है थोड़ी टफ है, लेकिन सेलेबस में पहले क्लासिफिकेशन जो था वो थर्ड यूनिट में दे रखा था, लेकिन अभी पहली दो यूनिट है क्लासिफिकेशन की कर दी है, तो कई बार बच्चों के प्रॉब्लम आती है टर्मिनोलॉजी की, जबकि होना ये चाहिए कि भाई फर्स्ट यूनिट में हेड थोरेक्स एब्डोमेन का नॉलेज हो जाए बच्चों को, तो उसके बाद ही फिर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज का भाई निर्णय है तो उसमें हमारे कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा फिर उसके बाद में हेड थोरेक्स एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी के लेक्चर है वो आपसे शेयर करूँगा, और उस दौरान आपके सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये क्लियर हो जाएगी। उससे पहले एक व्याख्यान में टर्मिनोलॉजी पर भी आपसे शेयर करूँगा जिसमें करीब 100-150 डेफिनेशंस के रूप में टर्मिनोलॉजी होगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा, और इसी के साथ मैं एक बार मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर पेशेंसफुल लिसनिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।